हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स मैम में। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, जिनका आंसर आप सभी को बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए अपने अपने आंसर हमें कमेंट्स करने के लिए, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे ज़्यादा पेड़ किस देश के लोग लगाते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस, भूटान, इजराइल, अमेरिका, भारत। फ्रेंड्स, हम आपको कुछ सेकेंड्स का टाइम देंगे, उसके बीच आपको हमें आंसर कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इज़राइल। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ और सबसे ज़्यादा कम पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेड़ एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, और सबसे कम पेड़ हरियाणा में लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? और ये रहे आपके ऑप्शंस, इज़राइल, भूटान, भारत और अमेरिका। फ्रेंड्स, आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भारत। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो शतरंज खेल का आविष्कार भी अपने भारत देश में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग यानी साक्षर वाला राज्य कौन सा है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, बिहार, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है केरल। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल में हैं। और अगर बात की जाए परसेंटेज की, तो 100 में से 94% लोग यहाँ पे साक्षरता है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? और ये रहे आपके ऑप्शंस, 1980, 1947, 1911 और 1950। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1911। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और ये रहे आपके ऑप्शन, शुक्र, बुध, मंगल, नॉन। इसका सही आंसर है शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने और भी वीडियोस में इसके बारे में बताया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, कबड्डी, पोलो, शतरंज, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है पोलो। विश्व का सबसे पुराना खेल पोलो है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, केरल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बिहार। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और बिहार की राजधानी पटना है। और अगर बात की जाए परसेंटेज की, तो यहाँ पे 61% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश? और ये रहे आपके ऑप्शंस, भूटान, चीन, इजराइल और अमेरिका। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है चीन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये फ़ोन चाइना का है, तो वो फ़ोन चाइना का है। तो विश्व में जो देश सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाते हैं, वो चीन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? और ये रहे आपके ऑप्शन, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, किस देश में 5 लाख का नोट चलता है? और ये रहे आपके ऑप्शंस, वियतनाम, अमेरिका, भूटान, इजराइल। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम देश में 5 लाख का नोट चलता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे दिल से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।